जय हिंद ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ यूपी इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशंस। फर्स्ट पोएट्री इज फ्रॉम फ्लेमिंगो बुक एंड द नेम इज माय मदर एट 66। पहली पोइम है माय मदर एट 66। इसके पोएट का नाम है कमला दास। इसमें से आपके एग्जामिनेशन में कुछ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, उनमें कुछ एक्सट्रैक्ट दिया रहता है पोएट्री का और उसमें से आपको आंसर लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए कुछ सॉल्यूशंस लाया हूँ, उन सॉल्यूशंस को अपने नोटबुक में लिख लें और समझ भी लें साथ में। My mother at 66. यहाँ read the following extract and answer the questions that follow. यहाँ extract दिया हुआ है, उसको read करें और उनके answer note करें। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Those open mouthed, her face ashen like that of a corpse. इसमें जो पोइटेस है कमला दास, she is traveling in a car with her mother. अपनी मदर के साथ गाड़ी में जा रही, कार में एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट की तरफ, और अपनी मदर को एयरपोर्ट साथ ले जा रही है, लेकिन वहां से मदर वापस आ जाएंगे और वो एयरपोर्ट से बाहर चली जाएंगे, आउट ऑफ व्यू जाएंगे। तो मदर उनको सी ऑफ करने जा रही है, एयरपोर्ट छोड़ने जा रही है। इसमें जो फीलिंग्स है एक डॉटर की मदर के लिए, वो डिस्प्ले किया गया है, वो बताया गया है। इसको समझे, ध्यान से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, इनका जो अपना होम है, अपना घर है, माँ बाप का घर है, पेरेंट्स का घर है, वहां से इनको जाना है, एयरपोर्ट जाना है कोचिन को, और मदर के साथ में बैठी हुई है, पोएटस की जो मदर है साथ में बैठी हुई है, और उनकी कंडीशन बहुत खराब है, ओल्ड एज्ड है और वो बीमार है, उनके चेहरे की रंगत उड़ गई है, एंड हर फेस हैज बिकम लाइक दैट ऑफ ए डेड बॉडी। डेड बॉडी की तरह हो गए, मुर्दे की तरह उनका चेहरा हो गया है। उसको देख के जो पोएटस है उनको मन में अंदर बड़ा दुख होता है। शी इज एक्सट्रीमली पेन टू सी हर मदर फेस। तो लास्ट फ्राइडे जा रही है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, जो पिछला फ्राइडे था उसकी मॉर्निंग में वो अपनी मदर को साथ लेके गाड़ी में एयरपोर्ट तक छोड़ने, एयरपोर्ट तक ले जा रही है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, वो कहती है मैंने अपनी मदर को मेरे बगल वाली सीट पे बैठे हुए देखा, लेटे हुए, वो लेटी हुई थी, आधी लेटी हुई थी, तो वो उनके सामने साथ वाली जो सीट है लेटी हुई थी, डोज ओपन, डोज मतलब झटकी ले रही थी, नींद में थी, ओपन माउथ उनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, उनका फेस जो था वो जैसे मुर्दे की राख होती है, ऐसे मुर्दे की राख जैसा रंगहीन हो गया था उनका चेहरा, मुरझा गया था चेहरा, तथा उस फेस में ब्लड ही नहीं बचा है। ये एक्सट्रैक्ट है फोन का, इस टाइप से एग्जाम में आता है, तो बच्चे इसको समझ लें और इसी में से आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने पड़ते हैं। लैंग्वेज आपकी अपनी खुद की होगी, लेकिन आपको समझ ही खुद से आंसर इससे निकालने पड़ते हैं। तो आप सब लोगों की, बच्चों की हेल्प के लिए, सभी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मैंने कुछ आंसर्स लिख दिए हैं, क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं लिखे हुए हैं, और उससे आप नोट कर सकते हैं। तो नोट करते जाइए साथ में। नंबर वन क्वेश्चन है,
फ्रॉम वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग एंड वैन, पोइट कहाँ से कहाँ तक ड्राइव कर रही थी और किस समय जा कब रही थी और किस स्थान पर जा रही थी। जैसा कि आपने अभी रीड किया है, मैंने आपको बताया है कि वो एयरपोर्ट तक जा रही थी, अपने घर से एयरपोर्ट तक जा रही थी। आंसर में लिखेंगे द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन। पोइट अपने घर से एयरपोर्ट तक जा रहे थे, कोचीन एयरपोर्ट तक जा रहे थे लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार को मॉर्निंग में वो एयरपोर्ट तक जा रहे थे अपनी मदर को साथ लेकर। ये आंसर इसका नोट कर लें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना है, व्हाट वाज द पोइट्स मदर डूइंग इन द कार। पोइट की मदर थी, वो गाड़ी में क्या कर रही थी, कार में क्या कर रही थी। तो इसमें दिया हुआ है आंसर, इसके अंदर ही है, तो आप आ गया होगा समझ में। फिर लिखना कैसे है, राइटिंग कैसे करनी है, आंसर की वो देखिए। द पोइट्स मदर वॉज डोजिंग कीपिंग हर माउथ ओपन। जो मदर थी पोइट की, वो नींद में थी, नींद ले रही थी, झपकी ले रही थी, कीपिंग हर माउथ ओपन, और उनका मुंह खुला हुआ था। तो जो पोइट की मदर थी वो नींद में थी, नींद निकाल रही थी, और उनका मुंह ओपन था, ओपन माउथ खुला हुआ था। नेक्स्ट अब इसको नोट कर लेना। और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी लिखना है, हाउ वाज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुकिंग लाइक। पोएट की मदर का जो फेस था वो किस टाइप का दिख रहा था, कैसा लग रहा था। आंसर में लिखा जाएगा, द फेस ऑफ द पोएट्स मदर वाज लुकिंग लाइक अ फॉक्स। पोएट की मदर का जो फेस था वो मुर्दे की तरह दिख रहा था, डेड बॉडी की तरह दिख रहा था। द फेस ऑफ द पोएट्स मदर वॉज लुकिंग लाइक अ कॉर्प्स। कॉर्प्स होता है मुर्दा या डॉट डेड बॉडी, ये लिखा है ना कॉर्प्स, ये डॉट डेड बॉडी या मुर्दा होता है। नोट करती जाइए साथ में, आई एम गिविंग यू टाइम, यू कैन नोट इट डाउन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट ऑफ दीज लाइन्स। नाम क्या है, पोएम का नाम क्या है, वो ऊपर लिखा हुआ है, और आंसर में भी आपको लिखना है, माई मदर F66, और पोएट का नाम है, ये लिखा हुआ है, कमला दास, इंडियन इंग्लिश राइटर थी कमला दास, उनका है। द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर @66। द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर @66 एंड द पोएट्स नेम इज कमला दास। ठीक है, ये इसको लिखना है, नोट करना है, द नेम ऑफ द फोन इज माई मदर @66 एंड कमला दास। यहां तक लिख लिया होगा। अब उसके बाद
सेंट्रल आइडिया भी आता है एग्जाम में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, सेंट्रल आइडिया भी लिखना है साथ साथ में। मैं एक बार समझा देता हूँ। द पोइट इज ट्रैवलिंग विद हर मदर टू कोचीन ऑन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट फ्राइडे। पोइट है अपनी माँ के साथ, एयरपोर्ट जा रही है कोचीन एयरपोर्ट, लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग को, पिछले शुक्रवार की सुबह वो अपनी माँ के साथ वो एयरपोर्ट जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है। द पोइट नोटिसेस हर मदर, तो पोइट जो है नोटिस करते हैं अपने मदर को, ध्यान देती है उनकी तरफ। हर मदर सिटिंग बिसाइड हर वाज डोजिंग, उनके बगल में जो माँ उनकी बैठी हुई थी वो डोजिंग, नींद ले रही थी, नींद में थी वो, सो रही थी। एंड ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस वाज कलरलेस लाइक एशन एंड कॉप्स, और उनका फेस था वो रंगहीन था, उनका रंग उड़ा हुआ था, रंगत उड़ी थी चेहरे की, और एशन जैसे राख होती है मुर्दे की जलने के बाद जो राख होती है, ऐसा राख जैसा चेहरा हो गया था, डेड बॉडी जैसा हो गया था उनका। इन ऑर्डर टू डाइवर्ट हर अटेंशन फ्रॉम द पेनफुल थॉट्स अबाउट हर मदर, द पोइट टर्न्स हर फेस टुवर्ड्स आउटसाइड। अपनी माँ के दुखों से, उनकी जो कंडीशन थी उससे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने अपना चेहरा बाहर की तरफ कर दिया, विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। देयर आर यंग ग्रीन ट्रीज, वहाँ हरे भरे नए नवेले पेड़ थे। जॉयफुल चिल्ड्रन ऑफ द विलेजेस, और कुछ चिल्ड्रन थे गांव के बच्चे थे, हंसते खेलते हुए बच्चे बाहर थे। ऑन रीचिंग द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद शी लुक्स एट हर मदर्स बोर्ड, एयरपोर्ट जाने के बाद वो अपनी माँ की फेस है उनकी तरफ देखती है जो ओल्ड है और रंगहीन हो गया है, उस फेस की तरफ देखती है, फील्स वरीड, और उनको चिंता होती है एट हर कंडीशन, उनकी कंडीशन पर, उनकी कंडीशन बहुत खराब है, उनकी माँ की कंडीशन बहुत खराब है, अपनी माँ की कंडीशन पर उनको बहुत चिंता होती है। बट द पोइट गिव्स अ स्माइल टू हर मदर एंड प्रोमिसज टू सी हर सोन, लेकिन पोइट अपनी माँ को स्माइल देती है, मुस्कुराती है, और उनको वादा करती है कि उनसे जल्दी मुलाकात होगी। तो नोट कर लेंगे सेंट्रल आइडिया भी। अब इसके आगे दिखाई दे रहा होगा, और क्लियर कर देता हूँ और साफ दिखेगा। अभी बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, क्लियर, तो सभी बच्चे इसको नोट कर सकते। आराम से नोट कर लीजिए सब लोग।